देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी एक अनपढ़ जाहिल या रास्ते पे चलने वाले लोग आदमी की तरह बात करते हैं। अरे, इतनी बड़ी पद पर बैठे हैं, उन्हें पता है कि उनका पद जो है वो एक सांविधानिक पद है, और उस सांविधानिक पद में प्रधानमंत्री रास्ते में नहीं चुना जाता, ना तो 14 में ना 19 में। वो तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हर क्षेत्र से एक सांसद को चुना जाएगा, और ये 543 सांसद जब चुन के आएंगे तब वो तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होता है। ये हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बेसिस है। ये प्रधानमंत्री को नहीं पता, प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं क्या मतलब है? ये जाहिलों की सी बात है कि प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं। प्रधानमंत्री की लाइन में आप भी नहीं खड़े हैं। आपको भी प्रधानमंत्री का पद तभी मिल सकेगा जिसके लिए आप हाथ पांव मार रहे हैं कि मेरे पास बहुमत हो, यानी मेरे पास सांसदों का बहुमत हो। जनता का बहुमत से तो ठीक है, जनता बहुमत से तो सांसद चुन के देगी, मगर उन सांसदों में जब तय होगा कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए जिसका सबसे बड़ा दल होगा, तो ये तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है प्रधानमंत्री का। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें प्रधानमंत्री के खुद अपने मुंह से निकलना, मुझे लगता है कि हमारी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।